दर्शक बहुत आए हैं यहाँ पे, दर्शकों में दोष है, दर्शकों की कमी है। सर सर थिएटर और सिंगर है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा देखने के बाद। अगर अपने देखने जाएंगे तो आपको थिएटर वाले दिखाएंगे, आपको स्टारडम देखने जाना है तो आपको गवैया लोग दिखेंगे। मतलब अभी वो वही सुनना रहता है चोरी ढाका, बाकी लोग 10% दोषी है, 90% दर्शक है। नमस्कार, हम बानी अंकु सजा और रोमा लोग देख रहे बानी न्यूज तक सुनवा, और हमारा बगल में बैठे बानी मनोज सिंह टाइगर जी, जे पूरा भारत में अपन परिचय कनो मोहताज ने की। सर आपके बहुत बहुत स्वागत बा न्यूज तक सिनेमा पर। सर वर्तमान में इस समय आप उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में बानी, जेके लोग कहला कि भाई सबसे असभ्य जिला है, आपको यह शूटिंग करके कैसा लगता है? सबसे पहले सवाल की भैया कहाँ है, सब जिला है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। भोजपुर में कहा होता कि भाई जितना भी लोग कलाकार जला बलिया में तो लोग योगिता पत्थर मार रहा है, हम तो नहीं देखे कभी, मतलब आपके फिल्म चाहिए हम तो कई बार शूटिंग कर चुके हैं। अच्छा, हम तो कभी नहीं कोई पत्थर मारा, कभी कोई इस बात नहीं किया, मतलब स्टेशन पर भी तमाम वीडियो भी वायरल हुई है भाई, शूटिंग पर तो हमको तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला। अच्छा सर, ये कौन सी फिल्म की शूटिंग चलती है वर्तमान टाइम में? इसका नाम अभी कुछ रखा नहीं गया, फिल्म का नाम कुछ है नाम नहीं रहता, नाम गोपनीय बा। समय में फिल्म के खुलासा हुई, जैसे भी खुलासा हुई हम आपके न्यूज तक सिनेमा के माध्यम से बताएंगे। सर हम जो समय बच्चा रही करीब 8 से 10 साल के, सीडी का सट के जमाने रहे, हाँ उस समय आपके फिल्म में आई रही चलत मुसाफिर मनमोहन, हाँ, और आज के फिल्म के जो वर्तमान शूटिंग कर चल रहा था सर, उस टाइम के सिनेमा में और आज के सिनेमा में सर जी का अंतर बा? बढ़िया सिनेमा तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा है सर। फिर भी आज कंटिन्यूटी 20 से 30 वर्ष कंटिन्यूटी फिल्म शूटिंग चल रहा है, भोजपुरी फिल्म आ रही है बड़े समय भाई। ऐसा है जो समय उस समय चल रहा था उस समय चल रहा है, जो आज के समय में लोगों को पसंद है, आज समय चल रहा है, इमोशन थोड़ी खत्म हो जाता है। माँ बाप और पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच में इमोशन 30 साल में बदल थोड़ी जाता है, रहता वही है ना। अच्छा सर भोजपुरी में क्या रीजन बा कि एक ही कंसेप्ट पर बार बार फिल्म बनावा जा रहा है? किसने बोला यार, देखो तुमको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नाम बताओ पारिवारिक जी, तो अच्छी बात है ना, कम से कम लोग चिल्लाते थे अश्लीलता अश्लीलता है, अब पारिवारिक बन रहा था, पारिवारिक से तकलीफ हो रही है। सर कहने हमेशा कुछ ट्विस्ट कवर रोमांस तो क्या कह रहे हो, रोमांस उस परिवार में पारिवारिक रोमांस तो होता है ना, पति पत्नी की शादी होती है, फिर पहले प्रेमी प्रेमिका होते हैं, शादी होती है तो रोमांस तो रहता है। अच्छा सर शादी के जिक्र के नहीं अभी वर्तमान समय कोई जो फिल्म आवाज बड़ी सुना दिनेश जी के शादी जी के हर फिल्म में देखा जाता है कि प्यार होता है फिर शादी होता है फिर परिवार के कलेश होता है, पैटर्न होती है। हाँ ठीक है, चल रहा है, पसंद कर रहे हैं लोग, जब पसंद नहीं करेंगे फिर दूसरा आएगा। अच्छा सर आप एगो नेचुरल एक्टर बने, थिएटर से आज बने, और अभी वर्तमान में जो आर्टिस्ट आता है अभिनेता है जो मेन हिट कलाकार के रूप में उस सर गवैया पैटर्न से आओ, तो सर एक बारे में आपके क्या चीज़ है? उनको दर्शक पसंद कर रहे हैं तो आ रहे हैं, उनको लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं, जो गाने सुनते हैं तो सुनते हैं तभी ना, पहले सुनने वाले जब नहीं सुनेंगे तब उनको नहीं होंगे, इसका मतलब है कि उनको पसंद करने वाले लोग। अच्छा सर जो सिंगर एक्टर बन रहे हैं और जो थिएटर से आर्टिस्ट हैं, सर दोनों में क्या मतलब अंतर होता है कुछ? थिएटर और सिंगर है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा देखने के बाद। अगर अपने देखने जाएंगे तो आपको थिएटर वाले दिखाएंगे, आपको स्टारडम देखने जाना है तो आपको गवैया लोग दिखेगा, मतलब अभी मानते कि गवैया लोग भोजपुरी फिल्म के पीछे खींच रहे हैं। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, खींच रहे हैं वही चल ही रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब सर क्या भोजपुरी फिल्म बढ़ावा देने खातिर ऐसा कौन एक्टर भी घर के लिखा नहीं था? सब बहुत आए हैं यहाँ पे, दर्शकों में दोष है, दर्शकों की कमी है, हाँ दर्शक को वही सुनना रहता है चोरी ढाका, बाकी लोग 10% दोषी है, 90% दर्शक दोषी है, मतलब सर के कहना लग पाए दर्शक लोग आप लोग खुद दोषी बानी, आप सुनते ही वही करोड़ों की दे देते हैं, जैसे आता है चोरी घाघरा गाना आता है जी जी 800 मिलियन 900 मिलियन सुनते हैं, और नहीं ये तो बात सही है।
चलिए अच्छा सर एक चीज़ बताइए, हमारी जो भोजपुरी भाषा है सबसे मीठी भाषा है, लेकिन फिर भी सब पिछड़ा पड़ा है इसका रीजन कहाँ पिछड़ा है सर? अगर देखा जाए बॉलीवुड का सबसे बड़ा बिल्ड माना जाता है पूरे हिंदुस्तान, उसके बाद सबसे बड़ा बिल्ड अगर देखी जाए भोजपुरी इंडस्ट्री उसको, तो आप लोग पत्रकार हैं आप बताइए, आप लोग ढूंढिए। हम लोग तो कलाकार हैं, कोई समाज सेवक थोड़ी है, हम लोग तो अभिनेता हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं। ये आप लोग जिम्मेदारी पता लगाइए, हम लोग ज्यादा आप पता लगा सकते हैं ना भैया। ठीक है सर, मैं आपसे बड़ा हुआ बात फिर मिलता हूँ सर, देख लूँगा कंटिन्यू चले। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए।